दोस्तों अगर आप भी निकोल लोफ्टी को खतरनाक खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों निकोल लोफ्टी ने 6 गेंदों पर जड़े 6 छक्के रचा इतिहास। जी हाँ दोस्तों, जिसको देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। और निकोल लोफ्टी ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से युवराज सिंह का और किरण प्लाट वाला रिकॉर्ड भी अपने नाम हाजिर किया है। तो आखिरकार निकोल लोफ्टी कौन से रिकॉर्ड अपने नाम किया है तो आपको बताएंगे, साथ ही साथ उनके तूफानी प्रदर्शन का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। लेकिन इससे पहले आपको क्या लगता है कि निकोल लोफ्टी खतरनाक बल्लेबाज हैं तो अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहीं दोस्तों नाबीनीय क्रिकेट टीम के बैटर ने T20 इंटरनेशनल में धमाल कर दिया है। सबसे तेज सेंचुरी जमने का रिकॉर्ड इस खिलाड़ी के अपनी तूफानी पारे में तोड़ डाला है। नेपाल में खेले जा रहे 3 देशों के टूर्नामेंट निकोल लोफ्टी ने एक ऐसी पारी खेली जिसने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है। नेपाल में मेजबान टीम के अलावा नीदरलैंड और नाबीनीय के बीच खेली जा रही 3 देश T20 टूर्नामेंट मंगलवार 27 फरवरी रिकॉर्ड तोड़ मचने देखने को मिला। पहले बल्लेबाजी करने उतरी नाबीनीय टीम ने 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे निकोल लोफ्टी ने बल्ला ऐसा चला दिया कि जिसने तमाम दिग्गजों का रिकॉर्ड तोड़ डाला। टीम ने इस बैटर को शतकीय पारी की बदौलत 4 विकेट पर नेपाल के सामने 206 रन का लक्ष्य खड़ा किया। मेजबान टीम ने इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो 286 रन पर ऑल आउट हो गई। वहीं दोस्तों नाबीनीय के बैटर ने जान निकोल लोफ्टी ने नेपाल के खिलाफ मंगलवार को खेलते हुए T20 मुकाबले में 36 बॉल में 101 रन की पारी खेली है। इस दौरान उन्होंने 11 चौके और 8 छक्के की मदद से नेपाल के खिलाफ महज 33 गेंदों पर T20 शतक जमाने के साथ ही निकोल ने इस फॉर्मेट में सबसे तेज सेंचुरी रिकॉर्ड तोड़ डाला है। और हम बताएं दोस्तों कि निकोल लोफ्टी के नाम अब T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड हो गया है। 33 गेंद पर यह कमाल करते हुए नेपाल के ही कुशल मल्ला का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ डाला है। मंगोलिया के खिलाफ उन्होंने 34 बार पर यह कमाल किया था। तीसरे नंबर पर भारत के कप्तान रोहित शर्मा के साथ साउथ अफ्रीका के विस्फोटक डेविड मिलर का नाम है। दोनों ही बैटर ने 35 गेंदों पर शतक जमाया था। आप भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद दोस्तों।